हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे पास है हेलो W1 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, जिसका हम पूरा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले। हेलो एक Xiaomi की सब्सिडरी कंपनी है, सो बेसिकली ये Xiaomi के ही ईयरबड्स है। अगर आपको इस ईयरबड्स को परचेस करना है, इसको आप हेलो की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस कर सकते हो, और परचेस करने के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी इस ईयरबड्स की प्राइस ओनली 2500 रुपीज चल रहा है, जो बहुत ही अच्छी प्राइस है इस ईयरबड्स के लिए। आज वीडियो में इस ईयरबड्स के सारे फीचर्स को टेस्ट करने वाले, और मैं सारे फीचर्स को आउट ऑफ 10 स्कोर देने वाला हूँ, जिससे आप बहुत ही इजीली डिसीजन ले पाओगे आपको ये ईयरबड्स परचेस करना चाहिए कि नहीं। और वीडियो की लास्ट में आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। अभी मजा आएगा ना वीडियो, सो आप वीडियो को पूरा देख लेना। वीडियो आपको यूजफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में आप बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये रहा ईयरबड्स का बॉक्स है। फ्रंट साइड में आपको हेलो की ब्रांडिंग एंड W1 मॉडल नेम मिल जाएगा। बैक साइड में आपको सारे फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसको हम पूरा टेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग, और देखते हैं आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। अनबॉक्सिंग करते ही सबसे पहले आपको मिल जाएगा यूज़र मैनुअल, जो आपको इंग्लिश एंड चाइनीज लैंग्वेज में अवेलेबल है, बट आपके लिए मैं हूँ इसलिए आपको मैनुअल की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट आपको मिलता है एक्स्ट्रा ईयर टिप्स स्मॉल मीडियम लार्ज साइज़ का, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। साथ में आपको मिलता है एक टाइप सी चार्जिंग केबल अपने चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए। और ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट हाइलो W1 ईयरबड्स, जो आपको ब्लू एंड वाइट कलर में अवेलेबल है। अभी हमारे पास वाइट कलर में आ चुका है, इसको करते हैं ओपन। सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इस पूरे ईयरबड्स का वेट ओनली 43 ग्राम है, जो बहुत ही लाइट वेट है। यहाँ पर चार्जिंग केस बहुत ही आपको कॉम्पैक्ट साइज में मिलता है, इसको आप मेरे हाथ के साथ कंपेयर करके चेक कर सकते हो कितना में कॉम्पैक्ट मिल जाएगा। इसको बहुत ही इजीली बैग या पॉकेट में कैरी कर सकते हो। अगर बात करें मटेरियल क्वालिटी के बारे में, यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला आपको प्लास्टिक मटेरियल मिल जाएगा। पीछे आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है इस चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए। आगे आपको 3 इंडिकेटर लाइट्स मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको ईयरबड्स को चार्जिंग केस के अंदर प्लेस करने के लिए आपको मैग्नेटिक लॉक मिलेगा। सो बहुत ही इजीली आप इसको प्रेस करके रख सकते हो, और यहाँ पे आपको चार्जिंग केस को ओपन क्लोज करने के लिए आपको मैग्नेटिक लॉक मिल जाएगा। सो बहुत ही इजीली आप इसको ओपन क्लोज कर पाओगे। और यहाँ पे आपको ईयरबड्स के अंदर IPX4 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलता है, इसका मतलब आप इस ईयरबड्स को थोड़ी बहुत बारिश के अंदर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको जिम के टाइम ज़्यादा स्वेटिंग हुआ तो भी आपका ईयरबड्स ख़राब नहीं होगा। सो अभी हम ईयरबड्स को हमारे फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.2 टेक्नोलॉजी मिलती है, जो ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन है। फर्स्ट टाइम अपने ईयरबड्स को फोन या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों ईयरबड्स को चार्जिंग केस से बाहर निकलना है, और दोनों ईयरबड्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर लेना है, और यहाँ पे आपको पेयर न्यू डिवाइस पे क्लिक करना है, और नीचे आ जाएगा हेलो W1 सिंपली, यहाँ पे क्लिक करना है। अलग होकर वो पैर पे क्लिक कर लेना है, और बहुत ही फास्ट आपका ईयरबड्स आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 100% बैटरी शो कर रहा है, यहाँ पे सेटिंग्स में पूरा सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं बैक कर रहा हूँ, और जैसे आप दोनों ईयरबड्स को वापस अपने चार्जिंग केस के अंदर प्लेस करते हो, ये ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाएगा। देखो हो चुका है, और जैसे वापस बाहर निकालते हो ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा बहुत ही फास्ट, तो आपके लिए काफ़ी इजी बन जाएगा। और यहाँ पे आपको और एक फीचर मिलता है जिसका नाम है मोनो मोड, इसमें आप एक ईयरबड्स को अपने चार्जिंग केस के अंदर प्लेस करके आप ओनली एक ईयरबड्स को भी यूज़ कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी अच्छा फीचर बन जाएगा। सो अभी मैंने ईयरबड्स को पहन लिया है। बात करते हैं इसके फिटिंग के बारे में। मैंने इसको 2-3 दिन के लिए यूज़ किया है, मैंने इसको रनिंग के टाइम यूज़ किया है, जिम के टाइम यूज़ किया है, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल एंड सिक्योर फिट मिला है। आप कितना भी घूमें कर लो, आपके कानों में से बिल्कुल भी निकलने वाला है नहीं। ईयरबड्स बहुत ही लाइट वेट, इसको आराम से लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हो, और जब भी आप इस ईयरबड्स को यूज़ करते हो आपको आसपास का नॉइस बहुत ही कम सुनाई देता है, और लुक भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। दूसरे ईयरबड्स काफ़ी गुड लुकिंग एंड प्रीमियम लुक प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको ईयरबड्स के ऊपर आपको हेलो की ब्रांडिंग मिलती है, ऊपर आपको इंडिकेटर लाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आप ईयर टिप्स को बहुत ही इजीली आप चेंज कर पाओगे। सो यहाँ पे आपको ईयरबड्स एंड चार्जिंग केस दोनों काफ़ी कंफर्टेबल एंड गुड लुकिंग डिज़ाइन में मिल जाएगा।
साथ में बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी के बारे में। चार्जिंग केस के अंदर आपको 310 mAh की बैटरी मिल जाएगी। मैंने चेक किया, इस चार्जिंग केस को फुल चार्ज करने के लिए मिनिमम आपको 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। और एक बार आपका चार्जिंग केस फुली चार्ज हो गया तो आपके दोनों ईयरबड्स को मिनिमम 4 बार फुली चार्ज कर सकता है। ईयरबड्स के अंदर आपको 32 mAh की बैटरी मिलती है। और एक बार आपका ईयरबड्स फुली चार्ज हो गया तो आपको मैक्सिमम 4 से 5 घंटे का म्यूजिक प्ले टाइम प्रोवाइड करता है। सो इस तरह से टोटली आपको 20 से 22 घंटे का आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगा, जो काफ़ी डिसेंट बैटरी लाइफ है। सो यहाँ पे आपको ईयरबड्स के अंदर आपको एवरेज बैटरी परफॉर्मेंस मिल जाएगा। सो अभी हम बात करते हैं मीडिया कंट्रोल के बारे में। सिंपली आप दोनों में से किसी एक ईयरबड्स के ऊपर सिंपल आप टैग अपने सॉन्ग को स्टॉप कर सकते हो। देखो स्टॉप हो चुका, और फिर से आप टैग सॉन्ग को स्टार्ट कर पाओगे। यहाँ पे आप राइट वाले ईयरबड्स के ऊपर डबल टैप करके अपने नेक्स्ट सॉन्ग में जा सकते हो। देखो यहाँ पे नेक्स्ट सॉन्ग आ चुका है। और यहाँ पे अपने लेफ्ट वाले ईयरबड्स के ऊपर डबल टैप अपने प्रीवियस सॉन्ग में आ सकते हो। और यहाँ पे आपको और एक फीचर मिलता है जिसका नाम है वॉइस असिस्टेंट, जिसमें आप दोनों में से किसी एक ईयरबड्स के ऊपर आप ट्रिपल टैप करके अपने फ़ोन की सीरी एंड गूगल वॉइस असिस्टेंट को एक्सेस कर पाओगे। इस तरह से 1 2 3 देखो यहाँ पे ओपन हो चुका है। सो काफ़ी आपको ईजी कंट्रोल मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको कॉलिंग के लिए भी कंट्रोल मिल जाएगा। सिंपली आप दोनों में से किसी एक ईयरबड्स को सिंपल आप टैप करके अपने कॉल को पिकअप कर सकते हो। तो यहाँ पे पिकअप हो चुका एंड फिर से टैप करके कॉल को कट कर पाओगे तो यहाँ पे कट हो जाएगा। सो कॉलिंग भी आप इजीली कर पाओगे। सो अभी हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी के बारे में। यहाँ पे आपको ईयरबड्स के अंदर डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाएंगे। बस आपको क्वालकॉम 3040 चिपसेट एंड APTX एडेप्टिव का आपको टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे आपको बहुत ही हाई क्वालिटी एंड प्रीमियम क्वालिटी आपको साउंड सुनने को मिलेगा। मैंने इसको कई सारे सॉन्ग के साथ ट्राई किया, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। वॉल्यूम भी काफ़ी आपको लाउड मिल जाएगा। इस ईयरबड्स में आप लो मीडियम एंड हाई पिच सॉन्ग बहुत ही आराम से सुन पाओगे। इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल बहुत ही आपको क्लियर सुना देते। अगर बात करें बेस के बारे में, इसमें काफ़ी आपको डीप एंड बैलेंस बेस मिलता है। मैंने इसको कई सारे हाई बेस और सॉन्ग के साथ ट्राई किया है, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। बेस परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और मैंने इस ईयरबड्स को कॉलिंग के साथ भी ट्राई किया था। यहाँ पे आपको एक ईयरबड्स के अंदर आपको 2 माइक मिलेगा। सो इस तरह से टोटली आपको 4 माइक मिलेगा कॉलिंग के लिए, प्लस आपको ENC मीन्स एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो बहुत ही आप क्रिस्टल क्लियर वॉइस के साथ आप कॉलिंग कर पाओगे, आपको आस पास का नॉइस बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। सो आप इस ईयरबड्स को कॉलिंग एंड म्यूजिक दोनों पर्पज़ के लिए परचेस कर सकते हो। और मैंने इस ईयरबड्स को गेमी के साथ भी ट्राई किया था। गेमी में आपको एवरेज परफॉर्मेंस मिल जाएगा। सो अभी आपको हेलो W1 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अभी बात करते हैं सब प्राइस के बारे में। अभी इस ईयरबड्स की मार्केट प्राइस 2500 रुपीज़ है, और इसको आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है। बट अगर आपको यही वाला प्रोडक्ट परचेस करना है जिसका मैंने रिव्यू किया, इसको आपको परचेस करना है, तो मैं आपको ओनली 1500 रुपीज़ में आपके घर पर इसका डिलीवरी कर दूंगा। सीधा आपको 1000 रुपीज़ का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सो भी आपको इसको ओनली 1500 रुपीज़ में परचेस करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और इंस्टा की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप सीधा मैसेज मुझे कर देना। और अभी आपको वीडियो यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हमें सब्सक्राइब कर लिया तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।